हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। 11 तक के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, उसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यह एक परिपथ दिया हुआ है, इस परिपथ में एक बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट है। E का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 12 वोल्ट है। और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, नगण्य लगभग 0 के बराबर होगा। अमीटर A के पाठ्यांक की गणना करिए। आपको अमीटर A का पाठ्यांक बताना है कि A में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी वैल्यू आपको बतलानी होगी दो कंडीशनों पर। एक कंडीशन कब होगा? जब यह कुंजी के खुली होगी। जब कुंजी के खुली होगी तो जो बैटरी धारा देगी वह धारा यहाँ से आएगी, इधर से होकर के जाएगी, तो यहाँ पर रास्ता क्या हो जाएगा? खुला रहेगा, अर्थात धारा इधर से होकर के नहीं जा पाएगी। जो भी धारा जाएगी वह इसी ओर से होकर आएगी। तो जब पहला कंडीशन, जब कुंजी खुली होगी तो R का वैल्यू कितना होगा? 40 ओम होगा। तो I आप यहां से निकाल सकते हैं, I बराबर E अपॉन R प्लस R। तो E का वैल्यू 12 बटे 40, स्मॉल R का मान नगण्य है, 0 है, उसको छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं लिया जाएगा। तो 12 बटे 40 लगभग 4 × 12 0.3 एम्पियर। अर्थात जब कुंजी खुली होगी तब प्रवाहित धारा कितनी होगी? तब प्रवाहित धारा यहाँ से हो जाएगा आपका लगभग 0.3 एम्पियर की होगी, 0.3 एम्पियर की होगी। अब कह रहा अगर कुंजी के बंद कर दिया जाए, जब कुंजी के को बंद कर दिया जाएगा तो अब धारा इधर से भी होकर के आएगी। अर्थात अगर हम देखेंगे इसमें तो यह 40 ओम और यह 40 ओम दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समानांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इन दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ करके इस परिपथ का हम लोग क्या करेंगे? टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ से, दूसरा कंडीशन में, जब कुंजी बंद हो तो यहाँ से R का वैल्यू कितना होगा? 1/R बराबर 1/40 प्लस 1/40, समांतर क्रम में इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, 40 एलसीएम होगा 1+1, अर्थात R बराबर हो जाएगा 40/2 का, R का वैल्यू हो जाएगा 20 ओम। जब कुंजी K को बंद कर दिया जाएगा तो धारा इधर से भी होकर के आएगी, अर्थात पूरा परिपथ का जो वाह प्रतिरोध मिलेगा वह 20 ओम मिल जाएगा। I का वैल्यू निकालेंगे E अपॉन R प्लस R से, E का वैल्यू 12/20 धन 0, तो I बराबर हो गया 12/20 का 2×12, I बराबर कितना हो जाएगा? 0.6 एम्पियर। यहाँ से I का वैल्यू कितना हो गया? 0.6 एम्पियर हो गया। यह क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि जब 45 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है, और जब प्रतिरोध घटा करके 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध आपको बताना है। बैटरी वही है, मान लीजिए बैटरी है, बैटरी का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो I बराबर क्या होता है? E अपॉन R प्लस R से। देखिए, जब R कैपिटल R क्या 45 ओम है तो धारा कितना मिल रहा है? 0.3 एम्पियर। तो आप कह सकते हो 0.3 इक्वल टू E अपॉन 45 प्लस स्मॉल R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। या दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 25 ओम कर दिया जा रहा है तो धारा कितनी? 0.5 बराबर E अपॉन 25 प्लस स्मॉल आर, इक्वेशन नंबर 2। यह बन गया समीकरण 1 और 2। आप क्या करो, समीकरण 1/2 कर दो यहाँ से, समीकरण 1/2 0.3 अपॉन 0.5 इजकल टू ई अपॉन 45 प्लस स्मॉल आर इंटू 25 प्लस स्मॉल आर अपॉन ई। ई से ई कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ से? 3/5 बराबर होगा 25 प्लस आर बटे 45 प्लस आर। त्रियक मल्टीपल करेंगे इसका तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा?
थ्री फोर्टी फाइव प्लस आर इजकल टू फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस आर, पांतियाँ पंद्रह चारतियाँ बारह एक तेरह, एक सौ पैंतीस प्लस थ्री आर बराबर होगा पच्चीस, पच्चीस एक सौ पच्चीस प्लस फाइव आर, पक्षांतर करेंगे फाइव आर बराबर होगा एक सौ पैंतीस माइनस एक सौ पच्चीस का, फाइव आर माइनस थ्री आर बराबर होगा एक सौ पैंतीस माइनस एक सौ पच्चीस का, टू आर बराबर होगा दस का, आर बराबर होगा पाँच ओम का, आर कितना होगा पाँच ओम का, आंतरिक प्रतिरोध कितना मिल गया पाँच ओम, और क्या चाहिए हमको इसका विद्युत वाहक बल चाहिए। अब इस आर का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड में कहीं पर भी रख दें ला करके, तो समीकरण नंबर एक से 0.3 इक्वल टू ई अपॉन 45 प्लस 5 हो जाएगा, तो ई का वैल्यू 0.3 इंटू 50 1.5 वोल्ट, पंक्तियां पंद्रह वोल्ट आ जाएगा। शील का विद्युत वाहक बल कितना होगा 15 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक अज्ञात वोल्टेज वी की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है और एक प्रतिरोध आर से जोड़ी जाती है, तो इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। जब आर के श्रेणी क्रम में एक 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाता है तो धारा गिरकर 3 एम्पियर रह जाती है। प्रतिरोध आर तथा वोल्टेज वी का मान आपको बताना है। एक अज्ञात वोल्टेज की बैटरी है, चलिए यहाँ से अगर हमको आई निकालना हो तो आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। इससे देखिए 4 एम्पियर की धारा कब मिल रही है हमको, जब इसके सिरों के बीच एक प्रतिरोध आर है, तब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब कह रहा कि अब इसके साथ आर के साथ हम श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध लगा दें, मान लीजिए यह आर है, इसके साथ हमने 10 ओम का प्रतिरोध और लगा दिया तो टोटल कितना हो जाएगा आर प्लस 10 हो जाएगा, तो यहाँ से धारा कितना मिलेगा 3 एम्पियर, 3 बराबर वी बटे आर प्लस 10, इक्वेशन नंबर दो। समीकरण एक भागा दो कर दीजिए, समीकरण एक भागा दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 बटे 3 बराबर वी बटे आर गुणा आर प्लस 10 बटा वी का, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 बटे 3 बराबर हो जाएगा आर प्लस 10 बटा आर का, त्रियक मल्टीपल करेंगे इसका तो 4R बराबर 3R प्लस 30, तो R बराबर कितना हो जाएगा 4R माइनस 3R बराबर 30 का, तो R बराबर मिल जाएगा आपको 30 ओम का, R का वैल्यू कितना होगा 30 ओम का। आप वोल्टेज V का भी वैल्यू बताइए। अब इस R के वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, तो समीकरण एक से 4 बराबर क्या होता है वी बटे आर, आर का वैल्यू 30 तो वी बराबर कितना हो गया 4 तिहाई 12 120 वोल्ट, वी का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 120 वोल्ट निकल गया। ये देखिए क्वेश्चन, 12 वोल्ट की एक बैटरी है और इसके साथ देखिए यह है आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं इसके साथ श्रेणी क्रम में, जोड़ दिया श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को, एक है 3 ओम का, एक है 1 ओम का और एक है 8 ओम का। जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों पर लगाया जाता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया गया, तो जब यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया जाता है तो परिपथ में धारा जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आया, यहाँ पर पाठ्यांक कितना आ रहा है 6 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना है 6 वोल्ट का है। अगर इसका नामकरण कर दें हम लोग ए और बी, तो ए व बी के बीच की अगर हम बात करें, ए व बी के बीच वोल्ट मीटर लगा तो विभवांतर कितना बताएगा यह 6 वोल्ट बता रहा है और आर कितना है 3 ओम है, तो आई कितना हो जाएगा वी अपॉन आर का, वी का वैल्यू 6 बटा 3, आई का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर। 3 ओम के परिपथ में कितनी धारा बह रही है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। देखिए यह 3 ओम का
जो प्रतिरोध लगा है यह परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में है। तो जितनी धारा 3 ओम के प्रतिरोध में जा रही होगी वही धारा तो बैटरी के द्वारा दी जा रही है, अर्थात पूरे परिपथ में धारा कितना होगा 2 ही एम्पियर की होगी। तो परिपथ की धारा भी कितनी होगी 2 एम्पियर की होगी। अब आर का वैल्यू बताना है आपको, आर का वैल्यू यहाँ कितना 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो आई आपको पता चल गया 2, आई बराबर क्या होता है ई बटे आर प्लस आर, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है नगण्य है। तो यहाँ से हम निकालेंगे आई बराबर ई का वैल्यू कितना दे रखा है 12, कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 1 और आर 4 प्लस आर, आई का वैल्यू कितना है 2 बराबर 12 बटा 4 प्लस आर का, 3 का मल्टीपल करेंगे 8 प्लस 2 आर बराबर 12 का, तो 2 आर बराबर हो जाएगा आपका 12 माइनस 8 का, तो आर बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 8 4 12 4 बटा 2 का आर बराबर मिल गया 2 ओम, आर का वैल्यू कितना होगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखिए अगला क्वेश्चन इसका कह रहा कि आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल था 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल के साथ 2 वाह प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। एक देखिए अगला क्वेश्चन इसका, एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की शेल है और उसके साथ 2 वाह प्रतिरोधों को 2 ओम और 3 ओम को जोड़ा गया है। कंडीशन बनाया गया है कि एक बार इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और एक बार इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। दोनों ही कंडीशनों में हमको क्या बताना है, धारा बतानी है। अगर हम पहला कंडीशन लें, देखिए इसके लिए ई का वैल्यू आपको मिलेगा हमेशा 6 वोल्ट और इसका विद्युत वाहक आंतरिक प्रतिरोध कितना मिलेगा 1 ओम। तो पहला कंडीशन जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा आर का मान क्या होगा R1 प्लस R2 होगा 2 प्लस 3, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 5 ओम। तो यहाँ से हमको I बताना है, तो I बराबर क्या होगा E अपॉन R प्लस R, E का वैल्यू 6 5 प्लस 1, तो I का वैल्यू हो जाएगा 6 भागा 6, तो I का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1 एम्पियर। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब कह रहा अगर इनको श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सेकेंड कंडीशन क्या करना है इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे यहां से 1/2 प्लस 1/3 का एलसीएम बनेगा 6 का 3+2, तो 1/r बराबर बन गया 5/6 का, तो r बराबर बन गया 6/5 ओम। यह r का वैल्यू पता चल गया। हमको i चाहिए, इस कंडीशन में i कितना होगा e अपॉन r प्लस r से, e का वैल्यू 6 दिया है, e का वैल्यू कितना है 6/5 प्लस 1 6 5 11, तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर 6/11/5 का, तो I बराबर हो जाएगा 6/25 30/11 का, I बराबर 11 × 22 8 80 11 × 77 बचा कितना 3 30, 11 × 22 2.72 एम्पियर। अर्थात जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी, 2.72 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, कह रहा कि 200 ओम का एक प्रतिरोध, एक वोल्ट मीटर और नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। यह हो गया सेल। अब इस सेल के साथ श्रेणी क्रम में हमको क्या क्या जोड़ देना है, एक प्रतिरोध जोड़ देना है, इस प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता कितनी है 200 ओम है,
और एक हमको वोल्ट मीटर जोड़ देना है, सबको श्रेणी क्रम में ही जोड़ना है, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब कह रहा है कि इस वोल्ट मीटर का जो विभवांतर है वह कितना बता रहा है, 1.0 वोल्ट यहाँ इसके बीच में विभवांतर है। तो यह बताइए इस वोल्ट मीटर का भी तो कुछ प्रतिरोध होगा, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मान लीजिए R है, या 2 वोल्ट की है, 0.2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। तो अगर जो हम यहाँ से परिपथ की धारा की बात करें, कुल प्रतिरोध यहाँ से कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध आपको मिल जाएगा यहाँ से, कुल प्रतिरोध 200 प्लस कैपिटल R, श्रेणी क्रम में जोड़ के हमने बता दिया कि कुल प्रतिरोध इतना होगा। और क्या निकालना हमको यहाँ से, E का वैल्यू दिया है आपको 2 वोल्ट। तो I अगर निकालना हमको, E अपॉन R प्लस R, देखिए स्मॉल R नहीं दिया है तो हम 0 ले लेंगे यहाँ से, नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो 0 ले लिया जाएगा यहाँ से। तो I बराबर आपको मिल जाएगा 2/200 प्लस R का, ठीक है। अब देखिए इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 1। अब इस वोल्ट मीटर की बात करें, इस वोल्ट मीटर में भी तो वही धारा जाएगी जो बैटरी धारा दिया हुआ है, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो यहाँ पर भी धारा का वैल्यू सेम होगा। तो अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है, R है, विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है। तो अगर हम यहाँ से I निकाला तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R का, तो I बराबर हो जाएगा 1/R। इक्वेशन नंबर 2, देखिए यह भी बैटरी के द्वारा दी गई धारा है, यह भी बैटरी के द्वारा दी गई धारा है, तो दोनों धाराएं आपस में बराबर होंगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 2/200 प्लस R बराबर होगा 1/R का। त्रियक अगर मल्टीपल करें, यहाँ लगा देते हैं, अगर इसका त्रियक गुणा किया जाए तो हो जाएगा 2R बराबर 200 प्लस R का, तो R बराबर कितना हो गया, 200 ओम। इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना मिल गया, 200 ओम मिल गया। लेकिन हमको तो ये बताना नहीं, हमको तो परिपथ में धारा बतानी है। अब इस कैपिटल R का मान या तो समीकरण नंबर 2 में रख दें या तो समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो समीकरण 2 से कहीं भी रखेंगे वैल्यू उतना ही देगा। I बराबर कितना हो जाएगा, 1/200, या आप लिख सकते हो इसको 0.5 × 10⁻², या आप इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻³ एम्पियर। धारा कितनी प्रवाहित होगी, 5 × 10⁻³ एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, एक संचायक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का है, 12.5 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से इसको आवेशित किया जा रहा, मतलब इसको चार्ज किया जा रहा है सेल को, और आपको इस सेल का वैद्युत वाहक बल बताना है। आपको पता है जब सेल को आवेशित किया जाता है, जब सेल को आवेशित किया जाता है, जब सेल को आवेशित किया जाता है, सेल को आवेशित करने का मतलब सेल को चार्ज करना या सेल को आवेश देना, जब सेल को आवेशित किया जाता है या जब सेल को धारा दी जाती है, तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, V बराबर E प्लस IR होता है। V का वैल्यू कितना है, 12.5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित कर रहे हैं, E का वैल्यू हमको पता करना है, I का वैल्यू इसमें दिया है, हाँ 0.5 एम्पियर की धारा जा रही है, R का वैल्यू 1 है, तो 12.5 बराबर ई प्लस 0.5, तो ई का वैल्यू हो जाएगा 12.5 माइनस 0.5 का, तो ई का वैल्यू हो गया 12 वोल्ट। सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, 12 वोल्ट का होगा। यह देखिए एक परिपथ दिया हुआ है, इस परिपथ में आपको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है, यहाँ इसके और इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो यह एक प्रतिरोध होगा, एक प्रतिरोध यह होगा, एक प्रतिरोध यह और एक प्रतिरोध यह, देखिए यह कॉमन प्रतिरोध होगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यह इस तरीके का बनेगा, यह इस तरीके से बनेगा आपका,
यह इस तरीके से एक कॉमन प्रतिरोध हो जाएगा। यह 5 ओम का हो जाएगा, यह 10 ओम का हो जाएगा, यह 10 ओम का होगा और यह 20 ओम का होगा, और यह कितना होगा 10 ओम का होगा। देखिए इसका अनुपात आपस में कितना होगा 1/2, इसका अनुपात भी क्या होगा 1/2। जब इसके अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि क्या है, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो इस प्रकार से यह जो परिपथ बना हुआ है, यह परिपथ क्या है, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो इसके कॉमन वाले अर्थात 10 ओम के प्रतिरोध में किसी भी प्रकार की धारा कोई प्रवाहित नहीं होगी। अतः 10 ओम प्रतिरोध में, 10 ओम प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। दस ओम के प्रतिरोध में किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं जाएगी। तो ए और बी के बीच में देखिए 10 ओम और या 20 ओम कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और 5 ओम और 10 ओम कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो आप यहाँ से 10 ओम व 20 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो मान लीजिए R1 आ गया 10 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 30 ओम। इसी प्रकार से 5 ओम और 10 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, 5 ओम व 10 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो मान लीजिए इनका तुल्य प्रतिरोध R2 है तो कितना हो जाएगा 5 + 10 बराबर 15 ओम। अब यह R1 और R2 कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो अगर हम यहाँ से बात करें A और B के बीच, A व B के बीच R1 और R2 कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, 1/R बराबर 1/30 + 1/15, एलसीएम हो जाएगा कितना यहाँ से 30 हो जाएगा 1+2, 1/R बराबर 3/30 का, तो R का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 10 ओम। अर्थात A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 10 ओम का होगा। अब कह रहा है I बताना है आपको, यहाँ से I हमको यहाँ से परिपथ की धारा बतानी है, तो परिपथ की धारा यहाँ निकालते हैं। I बराबर क्या होता है E/R + R, E का वैल्यू कितना दिया 5, इस कैपिटल R का वैल्यू आपने कितना निकाला 10, स्मॉल R का वैल्यू दिया इसमें स्मॉल R का वैल्यू नहीं है, तो ये जब स्मॉल R का वैल्यू नहीं है तो इसको नगण्य मान लेंगे, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/10 का, अर्थात 0.5 एम्पियर। धारा कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर हो जाएगी। कह रहा वैद्युत शक्ति 6 बताइए, आपको वैद्युत शक्ति 6 भी बताना है, P बताना है, P बराबर क्या होता है VI, V का वैल्यू दिया 5 वोल्ट, I का वैल्यू दिया कितना, पूरे परिपथ का विभवांतर कितना है 5 वोल्ट का है, और I कितना जा रहा है 0.5 जा रहा है, तो शक्ति 6 कितना हो जाएगा 2.5 वाट। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यह परिपथ है, इस परिपथ कैसा है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। इसमें जो फिगर ए बना हुआ है इसमें आर की गणना करनी है और यह I1 का वैल्यू भी आपको बतलाना है। यहाँ से देखिए जब यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, क्या ऐसा है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है, दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात इस हिसाब से 15/R बराबर होगा 30/6 के, 6 × 5 = 30, 5 × 15 R का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 ओम,
आर का वैल्यू कितना आ गया 3 ओम। तो जब यह आर का वैल्यू आपको मिल गया 3 ओम, अब यहाँ से देखिए ए बी सी और ए डी सी, ये तीन दो रास्ते मिले, आपको यहाँ से आई वन का वैल्यू बताना है। आई वन का वैल्यू बतलाने के लिए आपको अगर ए और सी के सिरों के बीच विभवांतर पता चल जाए तो आप बता सकते हैं। देखिए इस सेल का जो विद्युतवाहक बल है वह 6 वोल्ट है। जब सेल का विद्युतवाहक बल 6 वोल्ट है तो यहाँ पर कोई आंतरिक प्रतिरोध इसका नहीं है, इसका मतलब इसका विभवांतर भी कितना होगा 6 वोल्ट का ही होगा। तो अगर हम यहाँ से बात करें ए बी सी से, ए बी सी से भाई आई वन इसी में जा रहा है, तो इसमें आपको आर का मान मिल जाएगा टोटल 15 + 3, आर का वैल्यू हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, आई वन धारा कितनी जा रही है, आई वन ये पता करना है, विभवांतर कितना होगा यहाँ से 6 वोल्ट का विभवांतर होगा। तो वी बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, आई वन बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर का, वी का वैल्यू 6, आर का वैल्यू 18, तो आई वन का वैल्यू हो गया 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर हो जाएगा यहाँ से आई वन का मान। यह परिपथ दिया हुआ है। अब इस परिपथ में भी आपको क्या करना है, आर का वैल्यू बताना। यह भी क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें भी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 15 ओम और आर कैसे हैं, यह दोनों समांतर क्रम में हैं, तो आप पहले इनको समांतर क्रम में जोड़ करके एक तुल्य प्रतिरोध बना लीजिए। 15 ओम व आर को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो 1/r कर दीजिए, 1/r बराबर क्या जाएगा 1/15 + 1/r, तो 1/r बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 15 r का, यहाँ हो जाएगा r + 15, तो r का वैल्यू हो जाएगा 15 r/r + 15 का। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया टोटल 15 r/r + 15। तो जब यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, कैसा है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसके सिद्धांत से क्या होगा, दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इस भुजा पर कितना प्रतिरोध है 6, इस भुजा पर कितना प्रतिरोध है 15 r/r + 15, ये ऊपर चला जाएगा तो 6 r + 15 = 90/15 r बराबर आपको मिल जाएगा 3/1.5, इसको काटिए दो बार में कट जाएगा, ये आ गया 2, त्रियक मल्टीपल कर दिए 15 × 30 r = 6 r + 90 का, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 30 r - 6 r = 90 का, तो 24 r = 90 का, तो r = 90/24, तो r का मान निकालिए यहाँ से 3/24, 3 * 9, 30/8, 8 * 3 = 24, 24 8 * 56 होगा कितना 40 8 * 5 = 40, 3.75 ओम। इस आर का वैल्यू कितना होगा 3.75 ओम होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है इस लेसन के। इसके अगले क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा।